हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिजिक्स विद अरुण गौड़ पर। और मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों से आज डिस्कशन करने जा रहा हूँ, ऑसिलेशन ऑफ अ टेस्ट चार्ज प्लेस बिटवीन टू लाइक चार्जेस। देखो, जैसे मैंने एक लाइन ले ली और इस लाइन पे मैंने दो लाइक चार्जेस रख दिए, ये भी प्लस क्यू और ये भी प्लस क्यू, और ये इनका मिडिल पॉइंट ले लिया ओ। ये जो डिस्टेंस है मिड पॉइंट से लेकर यहाँ तक, ये मैंने ए ले ली है और ये वाली डिस्टेंस को भी मैंने ए ले लिया है। और यहाँ पर मैंने रख दिया है एक टेस्ट चार्ज जिसकी वैल्यू है प्लस क्यू नॉट और जिसका मास है एम। अब ज़रा देखो, इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे कि ये बिल्कुल अगर मिडिल पॉइंट है तो ये प्लस क्यू इसे रिपेल करेगा ऐसे, और ये वाला प्लस क्यू भी इसको रिपेल करेगा, क्योंकि चार्जेस की वैल्यू सेम और डिस्टेंस भी बराबर है, तो दोनों फोर्सेज के मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जो ये वाला फोर्स होगा वही ये वाला फोर्स होगा, और तो ये दोनों फोर्सेज कैंसिल हो जाएंगे और नेट फोर्स इस पॉइंट पर मेरे को जीरो मिलेगा। मतलब ये जो सिचुएशन मैंने दिखा रखी है, जो पॉइंट वो दिखा रखा है, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ओके, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन पे कोई चार्ज पार्टिकल होता है या कोई भी पार्टिकल होता है और हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं, लेट्स से मैंने लेफ्ट में डिस्टर्ब किया, मैंने राइट में डिस्टर्ब किया, अगर मैं इस तरफ डिस्टर्ब करता हूँ और इधर डिस्टर्ब करने पर इस पार्टिकल पर नेट फोर्स निकालता हूँ, और नेट फोर्स अगर वापस मीन पोजीशन की तरफ आ जाता है तो मैं कह सकता हूँ कि ये ऑसिलेशंस करेगा। और अगर मैंने इसको राइट में डिस्प्लेस किया और इस पर नेट फोर्स भी राइट में ही लगने लग गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पे जिस इक्विलिब्रियम में था वो एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था, और अगर मैंने राइट में डिस्प्लेस किया और राइट में ही नेट फोर्स लग गया, तो अब इसका मतलब ये लौट के इस तरफ वापस कभी नहीं आएगा और ये ऑसिलेशंस नहीं करेगा। ऑसिलेशन करने के लिए ज़रूरी है कि मैं इसको डिस्टर्ब करूँ थोड़ा सा, इधर इधर लेके जाऊँ और ये फिर वापस इधर आना चाहे। ओके, और फिर ये ऑसिलेशन करने लग जाए इस तरह से। तो अब मैं ऑसिलेशन होगा कि नहीं होगा, सबसे पहले तो ये चेक करना चाहता हूँ, और ये चेक करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया इधर एक्स। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेस करके यहाँ पर लेकर आया और उस पॉइंट का नाम रख दिया मैंने पी। तो मैंने देखा कि ये वाला जो प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू इसको इधर रिपेल करेगा, और रिपेल करने के बाद में जो फोर्स लगाएगा वो एफ वन होगा। अगर इस एफ वन की वैल्यू निकालता हूँ मैं, देखो एफ वन की वैल्यू क्या आएगी, इसको ए और इसको बी बोल दिया, तो एफ वन इज़ द फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट व्हेन इट इज लोकेटेड एट और इट इज डिस्प्लेस्ड एट पॉइंट पी। ओके, ड्यू टू चार्ज ए। ये जो ए चार्ज है इसके कारण इसके ऊपर कितना फोर्स लगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो कूलम्स लॉ से, के क्यू वन क्यू टू अपॉन बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देखो, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ए है और ये एक्स है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई, ए प्लस एक्स हो गई, सिंपली ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। और ये फोर्स आ गया टुवर्ड राइट, दाईं तरफ फोर्स आ गया। इसी तरह से मैंने यहाँ पे जब इसको लेकर आया तो इस प्लस क्यू के कारण इसके ऊपर फोर्स देखा। ओके, लेट अस दिस फोर्स इज एफ टू, ये इसको रिपेल करेगा ना, तो इधर की तरफ होगा। और अगर मैं ये फोर्स निकालना चाहता हूँ तो पहले तो मैं ये डिफाइन कर दूँ कि एफ टू है क्या। F2 is the force on plus Q0 by charge B। इसके कारण इसके ऊपर फोर्स है, और इसकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी K Q Q0 divided by इनके बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखो, ये पूरा डिस्टेंस A था ना, और मैं इधर X ले आया, भाई देखो पूरा ये A है, उसमें से X वापस इधर ले आया, तो ये A माइनस X हुआ ना, तो इसको मैंने a माइनस एक्स का होल स्क्वायर लिख दिया। ये वाला फोर्स किधर आया, टुवर्ड लेफ्ट आया, बाईं ओर आया। ठीक है, अब अगर आप इन दोनों फोर्सेस को देखोगे, ये तो f1 की वैल्यू है और ये f2 की वैल्यू है, तो देखो इनमें दोनों में k q q नोट तो सेम है, तो न्यूमरेटर इनका सेम है, तो डिनोमिनेटर जिसका कम होगा उसका वैल्यू ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को कंपैरिजन किया तो मैंने देखा कि F2 is greater than F1 आ रहा है, F2 is greater than F1 आ रहा है, तो ये ज़्यादा है और ये कम है। तो मैंने डिस्प्लेस किधर किया इस पार्टिकल को, ये पॉइंट O था, पॉइंट S O से मैं इस तरफ लेके गया, मैंने इसको इधर डिस्प्लेस करने की कोशिश करी, लेकिन जो नेट फोर्स है वो वापस इसकी मीन पोजिशन की तरफ ही लग रहा था। तो ये जो फोर्स जो वापस मीन पोजिशन की तरफ लेकर आता है ना, उसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ये इसको रीस्टोर करना चाहता है, वापस उसी पोजीशन में लाना चाहता है, इसलिए इसको रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ सीन बन रहा है ऑसिलेशंस के जैसा, कि मैंने डिस्टर्ब किया इधर लेके गया
और जैसे छोड़ा तो वापस ही इस तरफ आना चाहेगा, तो अब ये ऑसिलेशन होने के चांसेस हैं। ओके, तो अब ऑसिलेशन होने के चांसेस को पता करने के लिए, इसको पूरा मैथमेटिकली सॉल्व करने के लिए मैं इस पर नेट फोर्स निकालना चाहता हूँ। तो देखो, नेट फोर्स निकालने के लिए थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, तो मैं कुछ ऐसा कर रहा हूँ, नेट फोर्स ऑन प्लस क्यू नॉट एट पॉइंट पी, इस पर नेट फोर्स आ जाएगा एफ टू माइनस एफ वन, क्योंकि एफ टू ज़्यादा है एफ वन से, तो एफ टू में से एफ वन को घटा रहा हूँ मैं। देखो, एफ टू की वैल्यू ये रही और एफ वन की वैल्यू ये रही, ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ मैं। तो एफ टू की वैल्यू तो ये है और एफ वन की वैल्यू ये है। अब हम क्या करेंगे इसमें, सिंपली के क्यू क्यू नॉट को कॉमन ले लेंगे, वन अपॉन ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर के क्यू क्यू नॉट। अब एलसीएम ले लेंगे, ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो ये ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। अब क्या करेंगे, के क्यू क्यू नॉट, अब देखो सिंपली मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, ये बड़ा सारे लाइन ड्रॉ कर दी, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम आराम से इत्मीनान से, देखो जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, हर स्टेप समझ में आनी चाहिए, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस है ना तो अंदर ले गया मैं इसको, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब काटा पीटी कर दी, देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर को काट दिया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को काट दिया, तो ये मेरे पास एक्सप्रेशन बन गया के क्यू क्यू नॉट फोर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स। लेकिन भाई जब मैंने इसको देखा तो चलो ये ऑसिलेशन की एक कंडीशन हुई, क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की भी कंडीशन है क्या? सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो कंडीशन होती है ना, वो आप लोग जानते हो कि फॉर SHM, कोई भी पार्टिकल जब SHM करता है तो उसकी कंडीशन होती है कि रीस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजिशन, केवल एक्स की पावर वन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए, क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो एक्स की सबसे सिंपल पावर जो होती है वो वन होती है, तो यहाँ पे वन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो थोड़ा पंगा है, ये तो एक्स की पावर यहाँ तो वन है लेकिन यहाँ पर वन नहीं है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस के लिए अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे डिस्प्लेस करता हूँ तो ये यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ कि हियर एफ इज नॉट प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सो इट इज अ केस ऑफ, इट इज अ केस ऑफ ऑसिलेशंस एंड इट इज नॉट, एंड इट इज नॉट SHM, ये SHM नहीं है, ओके सिर्फ ऑसिलेशन की कंडीशन। अगर आप इसको SHM बनाना चाहते हो, ओके तो SHM बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो हमेशा सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है बच्चों, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हमको तभी मिलता है जब एम्पलीट्यूड्स बहुत छोटे होते हैं, जब हम बहुत थोड़ा सा डिस्प्लेस करते हैं। तो ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट दिया था ना इसको, अगर मैं इसको बहुत ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं दूँ, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूँ, इतना सा चिन्ना सा, ओके इतना ज़्यादा नहीं देना है मुझे, बिल्कुल थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दूँ, तो मैं ऐसे कहता हूँ कि जो मैंने एक्स जो डिस्प्लेस किया है, ये एक्स अगर एक के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा है, तो ये वाली जो इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है फोर्स की, यहाँ पर मैं अब कुछ कोशिश कर सकता हूँ, के क्यू क्यू नॉट फोर ए एक्स, अगर एक्स के बजाय ए बहुत छोटा है तो मैं ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के टर्म्स को जब कंपेरिजन करूँगा, तो देखो एक्स वैसे ही बहुत छोटा था और एक्स स्क्वायर कर दिया तो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा, तो मैं इसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ, नेगलेक्ट कर दूंगा तो ए स्क्वायर का होल स्क्वायर बच जाएगा। अब मैं यहाँ पे आगे की मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, के क्यू क्यू नॉट फोर ए एक्स अपॉन ए की पावर फोर, इससे इसको काट दूं बच्चों, ए क्यूब हो जाएगा, के को लिख सकता हूं मैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया क्यू क्यू नॉट और ये फोर इंटू एक्स अपॉन ए क्यूब, फोर से फोर कैंसिल हो गया
और देखो मेरे पास में एक मैजिकल इक्वेशन सी आ गई है। देखो ये मैजिकल क्यों बोल रहा हूँ मैं इसको, के क्यू क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एक्स। और यहाँ पे मैं माइनस लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है कि मैंने डिस्प्लेस तो इधर किया था और फोर्स इधर लग रहा था, तो फोर्स जो था वो मीन पोजिशन की तरफ है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। तो ये जो कंडीशन है मुझे एस एच एम की कंडीशन मिल गई, दिस इज अ कंडीशन विच सेटिस्फाई फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसके लिए ये सेटिस्फाई कर रही है हमें, तो अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है तो थोड़ा सा देखो ये जो इक्वेशन आया है, अगर मैं इसको कंपेरिजन कर रहा हूँ, कंपेयर दिस इक्वेशन विद एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स, तो एफ की इक्वेशन है माइनस क्यू क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब इंटू एक्स, इसको माइनस के एक्स के बराबर रखते हैं। तो देखो एक्स की जगह एक्स है, माइनस की जगह माइनस एक्स, तो के की वैल्यू आ गई मेरे पास में क्यू क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब। अच्छा यहाँ पे कन्फ्यूज मत होना, ये वाला जो के लिखा है और ये वाला के दोनों अलग अलग है। ये वाला जो के है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कॉन्स्टेंट वाला है, और ये वाला जो है ये आपका सिंपल फोर्स कॉन्स्टेंट है जो एस एच एम के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो दिस इज फोर्स कॉन्स्टेंट फॉर एस एच एम। अब मेरे को टाइम पीरियड निकालना था, टाइम पीरियड निकालना मान लीजिए, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन के। ये एम तो उस पार्टिकल का मास होता है जो ऑसिलेशन कर रहा है, और के अपना फोर्स कॉन्स्टेंट होता है। तो के की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर रहा हूँ, क्यू क्यू नॉट पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया बच्चों, किसके लिए, ऑसिलेशन फॉर अ पार्टिकल विच इज प्लेस बिटवीन द लाइन जॉइनिंग टू लाइट चार्जेस। अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूंगा है ना, ज़्यादा करूंगा तो क्या होगा, ऑसिलेशन, और बिल्कुल थोड़ा सा करूंगा तो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये इसके लिए फाइनल एक्सप्रेशन आया है, इसको अच्छे से देख लेना। इस एक बार तो आपने पूरा वीडियो अच्छी तरह से एक सिक्वेंस में देख लिया, ओके। अब इसको एक बार खुद करने की कोशिश करो, और बीच बीच में कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। इट्स एन इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन जो आपके निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच टू लिसनिंग एंड वॉचिंग मी, जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं अरुण प्रकाश गौड़, फिजिक्स विद अरुण गौड़ पर आपकी हेल्प के लिए हमेशा हाजिर हूँ।